हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग A23 मॉडल आया हुआ है, जिसमें दोस्तों डिस्प्ले में ग्राफिक ग्राफिक आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम कहाँ से है इसको डायग्नोस करते हैं। चलिए इनको खोलते हैं अभी। में लगा के चेक करते हैं अगर ग्राफिक दे। चलिए दोस्तों, इसको चाहे एक बार बैटरी निकाल के फिर से लगाते हैं। क्लीन करके एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। देखिए दोस्तों, ग्राफिक आ रहे 48 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। हमारे ग्राफिक शो हो रहे हैं, मतलब डिस्प्ले में लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए खोलते हैं अभी। देखिए दोस्तों, काम तो किया हुआ है, ना ही कॉइल है ना कॉइल छोड़ी है भाई ने। भाई गजब पूरा काम किया हुआ है। देखिए दोस्तों, चलिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो काम हुआ है, मैंने सोचा फ्रेश मदरबोर्ड होगा, लेकिन ठीक है, चलिए। ये दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर भी नहीं है और कॉइल भी नहीं है, जो हमारी बूस्ट कॉइल होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ग्राफिक आ रहे हैं, बूस्ट कॉइल नहीं है, तो पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप ही काम करेंगे दोस्तों। तो चलिए, मीटर, हमारा जो मीटर है मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले ऑन कर लेते हैं मल्टीमीटर को और डायोड मोड में सेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है दोस्तों, कैथोड 1 और कैथोड 2। ठीक है, फर्स्ट, सॉरी एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी फर्स्ट लाइन है दोस्तों कैथोड 1 और कैथोड 2, और थर्ड नंबर की लाइन है हमारी LED, जहाँ पे दोस्तों बूस्ट लाइन बोली जाती है LED वाली। यहाँ पे 24 या 30 वोल्ट के आसपास आते हैं, इसमें भी रीडिंग आ रहा है। ठीक है, और LCD
PWM की लाइन है दोस्तों, तेरह नंबर, यहाँ से 13 नंबर की पिन है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी आ रहा है PWM की लाइन है कौन की, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, हमारी मैंने पीछे की ओर देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे तो पहली बात तो ये कॉइल ही नहीं है, बूस्ट कॉइल, ठीक है। ये आईसी भी टूटी हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले कॉइल ही डाल के चेक करते हैं, बूस्ट कॉइल, ठीक है। ये कॉइल लग चुकी है फ्रेंड, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसको, अगर नहीं आती है तो फिर आईसी भी चेंज करनी पड़ सकती है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारी लाइट आ चुकी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले।